आपका स्वागत है आपकी किचन में। गुड इवनिंग, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त होंगे। गाइस, आज हम करेंगे फूड ब्लॉगिंग। आज हम जाएंगे कुछ खाने के लिए एक चीपेस्ट होटल पे, जहाँ पे कम प्राइस में अच्छा खाना मिलता हो, ऐसा होटल ढूंढेंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे, खाना भी खाएंगे और आपको बताएंगे कि होटल कहाँ पड़ता है। और वहाँ पर जाइएगा ज़रूर और खाना खाइए ज़रूर। ये होटल में मैप पे भी ढूंढूंगा और पर्सनली मैं बाइक से भी ढूंढने जाऊंगा, देन खाऊंगा कि भाई और बताऊँ कितने में थाली मिलता है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपको टोटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो भी अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची। सो गाइस, चलिए, आपका स्वागत है आपकी किचन अपन देसी ब्लॉग्स में। आज हम आए खाना खाने के लिए हमारे तिवारी भोजनालय में। सो गाइज, आज के इस ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगा कि मैं जहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे सबसे फेमस तो पहले आपको बताता हूँ, यहाँ पे प्राची हॉस्पिटल है, देन जस्ट उसके सामने हमारे है तिवारी भोजनालय। सो गाइज, मुझे फूल लगी थी बहुत तेज, कोई होटल दिखा नहीं मुझे, तो मुझे ये होटल दिखा। सो गाइज, यहाँ खाना खाते हैं और यहाँ की रेसिपी देखते हैं, रेसिपी में क्या क्या है और आपको बताते हैं। आप कभी भी अगर इधर आएंगे फाफा मऊ साइड इलाहाबाद में, तो आपको प्राची हॉस्पिटल बगल में आपको मिलेगा, जस्ट सिग्नल के 50 मीटर बगल में शांतिपुरम एरिया पड़ता है। तो गाइज, वीडियो को अंदर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल से वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की रेसिपी, सो प्लीज़ कंटिन्यू। गाइज, हम आ चुके हैं तिवारी भोजनालय नाश्ता सेंटर, जो कि हम खाना इधर खाएंगे और इनके जस्ट सामने ही है प्राची। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए प्राची हॉस्पिटल है, यहाँ पे जस्ट उसके बगल में यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल से जस्ट 100 मीटर दूरी पे है तिवारी भोजनालय। सो गाइज, चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं क्या रेसिपी है क्या नहीं है, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको लास्ट में। गाइज, हम पहुँच चुके हैं तिवारी भोजनालय में और आ गए यहाँ पे, अपना हेलमेट रख देते हैं पहले यहाँ पे, और मेरी गाड़ी जहाँ खड़ी है आप देख ही रहे हैं अभी। पहले तो यहाँ पे जो भी है देखते हैं खाना पीना क्या क्या है वो पूछते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे तिवारी भोजनालय और इनका नंबर है ये, यहाँ पे देखिए जो भी रेसिपी है सब लिखा हुआ है, बाकी इनसे पूछेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। नमस्कार भैया। भैया, खाने में क्या क्या है? दाल चावल रोटी सब्जी पूरी सब्जी छोला भटूरा। अच्छा, अब अभी क्या खाने में? अभी है जो है दाल चावल रोटी सब्जी पूरी सब्जी मिल जाएगी। अच्छा, और कितने कितने की है भैया? 50 रुपये थाली है सर, 4 रोटी 2 सब्जी दाल चावल सलाद चार है, 30 रुपये पूरी सब्जी है, 6 पूरी 2 सब्जी सलाद चार है। सब्जी कौन सा है भैया? सब्जी सर आज है सोयाबीन है, आलू पालक बैगन सौ टमाटर है, दाल फ्राई है, सलाद चार है, रोटी है। अच्छा, हम रोज बदलते रहते हैं, रोज चेंज होता रहता है हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ के स्पेशल क्या है? यहाँ पे एकदम साफ सुथरा काम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर मिट्टी वैसे नहीं करते किसी में, किसी के ऑफिशियली किसी भी जाना या किसी शॉप पर पूछना हमें अच्छा है उठा तो वहीं दिखा दे, देख लीजिए एकदम फ्रेश आटा भी सामने है वहाँ पे, और वहाँ पे रायता भी बना, सलाद बना रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश एकदम सिल्वर प्लेट रखा हुआ है विथ टिश्यू पेपर से ही, मतलब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको यहाँ बिस्लेरी का पानी बोतल भी मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे हर सुविधा भी है, और प्लस इसके अलावा आप जब भी आएंगे आपको यहाँ पे बाइक पार्किंग का भी जगह मिल जाएगा साइड में, और प्लस यहाँ पे अगर आप आते हैं कुछ खाते पीने के अलावा चाय पीने का, तो यहाँ पे चाय का दुकान भी है आपको, वो भी आपको इसमें ले लेते हैं कैमरे में और दिखा देते हैं। ये है चाय दुकान है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चाय भी पी सकते हैं आप। चाचा बैठे हैं, नमस्कार चाचा। कुल्लर चाय है ना? हाँ, कुल्लर की चाय है भैया, 8 रुपये मात्र, 8 रुपये में भाई साहब, फाइबर रुपये, फाइबर में 5 में, कुल्लर में 8 में। सो भाई, चलिए पहले हम कुछ खाते हैं, यहाँ पे बहुत भूख लगी हुई है, देखिए यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए हैं,
चाचा जी आ गए हैं। नमस्कार चाचा। अच्छा अच्छा, देख लीजिए यहाँ पे सब कस्टमर हैं, यहाँ पब्लिक भी इकट्ठा हो गई है, बाहर ही पब्लिक इकट्ठा है। कारीगर कौन है यहाँ पे? कारीगर भी यहाँ है, देखो यहाँ पर मनोज हैं। अच्छा, और देखो राजू भी हैं। अच्छा बाबू भी, आप यहाँ के क्या हैं भैया? ओनर हैं। अच्छा आप ओनर हैं, और यहाँ के आपके अलावा कोई यहाँ संचालन करता है? हम ही रहते हैं, हमारे भाई वो लोग हैं। अच्छा, होटल आपका कब तक चालू रहता है, कब से कब तक? सुबह 8 से लेकर रात 10 तक सेवा है। सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक। अच्छा, और पार्सल करने का कोई स्पेशल? पार्सल की व्यवस्था है, और टिफिन पहुँचाते हैं कि पार्सल पन्नी पॉलीथिन में पैक करके रखा जाए, सिल्वर से बढ़िया रोटी वोटी बेहतरीन ढंग से पैक करके बढ़िया देते हैं, स्वादिष्ट घर जैसा खाना रखते हैं। अच्छा, और एक बार सेवा का मौका हम चाहेंगे कि कोई भी आने जाने वाला शांतिपुर में इलाहाबाद प्रयागराज आए, जरूर पहुँचे। प्राथमिक जस्ट सामने हमारी तिवारी भोजनालय की दुकान है। अच्छा, और एक बार जरूर अवसर दें। ठीक है भैया, हमारा भी खाना लगाइए, हम खा के पेट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स लोग को दिखाने के लिए, सब्सक्राइबर को। तो लगा दीजिए हमारी स्पीड, हम खाते हैं। तो गाई हम चलते हैं खाने खाने के लिए। तो भैया हमारा खाना लगा रहे हैं, और खाना देख खाने के बाद आपको बताएंगे वीडियो में कैसा लगा हमें खाना। आपको खाने के बीच में टेस्ट बता देंगे, देन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा खाना आ गया है। सो गाइज, एकदम मखमल जैसा रोटी है, आप देख सकते हैं। प्याज भी है, अचार भी है, आलू भट्टा पालक की सब्जी भी है, दाल भी है, एंड आलू सोयाबीन की सब्जी। चलो टेस्ट करते गाइस, और आपको बताते कैसे लग रहा है। गाइस अभी खाना लिया मैंने, अब खाने जा रहा हूँ, और आपको बताता टेस्ट कैसा है। बहुत टेस्टी है, और एकदम स्वादिष्ट भी है। और आपको रोटी भी बता देता हूँ, एकदम साफ रोटी है, देखिए बिंदास खाना है। आप खाइए और एंजॉय करिए, और भैया को सपोर्ट करिए, ठीक है। तो गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।